शुभेंदु सिन्हा सिन्हा इलेक्ट्रिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये जो डायग्राम एक भैया का रूम का था, ठीक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में जो फोटो भेजे थे उनका ऑलरेडी वायरिंग हुआ था, उसे रिपेयरिंग कराना था, ठीक है। तो उनका एक जो वाल था, एक वाल में उनका 4-6 का ये बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। ये 4-6 का एक रियल में ये 4-6 का बोर्ड हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 4-6 का बोर्ड था जिसमें एक होल्डर, ठीक है, एक होल्डर लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है, और इसके साथ एक सीलिंग रोज लगा हुआ था। तो ये सीलिंग रोज जो हमारा जो होता है वो ट्यूबलाइट के लिए यूज होता है, वो एक ही बोर्ड में कनेक्ट था, ठीक है। ऊपर से एक हमारा सीलिंग एक पंखा था, और एक जो वाल था दूसरा वाल में यहाँ पे एक बल्ब का होल्डर का कनेक्शन किया हुआ था, सपोज एक होल्डर का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और उनका जो बोर्ड था वो जस्ट इसके नीचे बोर्ड में था, ठीक है। उस बोर्ड में हमारे उनके साथ 4 स्विच था, तो 1 2 3 4, 4 स्विच में 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, चार, ये एक फ़ैन का जो हमारा 4 स्विच हो जाता, और साथ में एक 5 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। और साथ एक फ्यूज का यूज किया गया, एक इंडिकेटर रेगुलेटर का यूज जो है पंखा के साथ है, ठीक है। और इनका जो कमेंट के अनुसार कहना था, इनका जो 2 चीज़ें, ठीक है, 2 स्विच में जो एक बल्ब, ठीक है, सपोज ये एक बल्ब और एक पंखा में इनका इन्वर्टर का कनेक्शन किया हुआ है, तो आप पूरा बताएं कि हमारा जो रिपेयरिंग का काम है उस किस तरह से कंप्लीट होगा। तो आपको बता देते हैं, ये जो फ़ैन है, ठीक है, ये सीलिंग का कनेक्शन, इसका कनेक्शन, और यहाँ होल्डर का, मैं कनेक्शन के बारे में आपसे बात कर लूँगा, बशर्ते इसका इस बोर्ड में मेन करंट आपका कहाँ से आया है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, जैसे बोर्ड का मेन का बोर्ड है, इसके बाहर वाले वाल से आया हो, फिर यहाँ से इन करेगा, ये कहीं से मेन वायर कहाँ से इन करेगा वो आप देखिए। इस रूम का मैं वायरिंग आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये रूम है, तो इसको पर पंखा जो है, पंखा में इसमें 2 वायर गया होगा जी यूज करने के लिए, ठीक है। एक यूज हुआ होगा लाइन का, इसके साथ यूज हुआ होगा हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये 2 चीज़ का यूज हुआ होगा तब जाके ये जला होगा, तो ठीक है। इसका जो ये लाइन का वायर है, ठीक है, ये जो हमारा लाइन का वायर आया वो क्या होगा, वो सीधा, ठीक है, ये बोर्ड से पार करते हुए सीधा यहाँ पे आया, मैं आपको यहाँ क्लियर बताता हूँ, इस बोर्ड तक आया, ठीक है। और जो न्यूट्रल है वो भी हम सेम क्या करते हैं, अभी इस जगह से हम लाते हैं और हम इसको इस बोर्ड तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। हमारा जो इसका वायर था, इसको जलाने के लिए फिर न्यूज का डोज जरूरत था, दो वायर को हम दोनों को यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। अब इसके साथ इस बल्ब को जलाने के लिए हमको फेज या न्यूट्रल दोनों का जरूरत होगा, तो ठीक है। तो इसका जो होगा, तो यहाँ से फिर हमको एक लेके जाना होगा वायर, इस बोर्ड से एक वायर तो लेके जाना होगा, तो इसका जो कनेक्शन होगा हुआ होगा, ठीक है, इस वाल से इस वाल में आया होगा, फिर इस वाल में इस बल्ब का रहा होगा कनेक्शन, तो इसके साथ एक बल्ब, एक फेज, एक न्यूट्रल दोनों आया होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल और ये फेज दोनों आया होगा, तब जाके इस वाल में बल्ब जला होगा, इसका एक वायरिंग स्टेप से आया होगा, और इसका जो फेज है, ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर जो होगा क्या करते हैं, ये पूरा सेम इसी तरीके से आया होगा इस बोर्ड में, ठीक है। और जो इसका न्यूट्रल का वायर है, इसका जो न्यूट्रल का वायर है वो यहाँ से लूप हो गया होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए पूरा। ये फैन का कनेक्शन 2 निकला, एक फेज का, एक वायर लाल कलर का है जो बोर्ड तक आया, साथ में एक न्यूट्रल निकला, ठीक है। और यहाँ भी आप देखिए, एक जो है 2 बल्ब होल्डर के लिए चाहिए था, एक जो वायर है ये होते हुए बोर्ड के थ्रू सीधा यहाँ पे इस बोर्ड में आएगा, और जो न्यूट्रल जाएगा वो क्या करेगा, न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेंगे, एक जो न्यूट्रल हम भेजेंगे वायर, हम उसी को छिलके उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ अभी इस होल्डर को भी न्यूट्रल चाहिए, और यहाँ भी होल्डर चाहिए जो सीलिंग रोज लगाएंगे, तो रियल में इसको भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूट्रल जो होगा हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, हम कहीं से भी इसका न्यूट्रल यूज कर लेंगे। तो एक न्यूट्रल हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लिए, सेम यहीं पर इसका न्यूट्रल हम भेज दिए, ठीक है, न्यूट्रल हम यही बाहर से ले लिए। और इसका जो फेज का वायर होगा तो क्या करेंगे, हम सीधा बोर्ड में ले आएंगे एक वायर, और इसका एक वायर जो होगा ये भी हमारा बोर्ड में आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे कि जो हमारा 2 वायर जैसे होल्डर में लगेगा, तो एक वायर सीधा बोर्ड में आएगा, एक वायर जो न्यूट्रल गया हुआ उसी से हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना वायर आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जो है वो आपका पॉइंट हो गया, रियल में पॉइंट इससे गिना जाता है, तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस बोर्ड का वायरिंग करना है, उसके बाद हमारा कनेक्शन होगा, तो ठीक है। इसमें जो उनका कहना था, एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब और एक जो पंखा होगा उसका कनेक्शन इन्वर्टर से रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज इस बल्ब का कनेक्शन और इस पंखे के कनेक्शन को हम इन्वर्टर में दे देंगे, ये जो दोनों हैं,
ठीक है, ये बल्ब और ये सीलिंग रोज ये लाइन से हमारा रहेगा। तो ठीक है, आपका इन जहाँ से भी करे, आपका जो मेन वायर इन किया होगा, जो फेज का वायर होगा, जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन वायर होगा वो फ्यूज में इन करेगा, और कहाँ कहाँ जाएगा, एक ही जाएगा इंडिकेटर में, एक जाएगा आपका इंडिकेटर में। और उसके बाद ज़रूरत है दो स्विच, तो हमारे इन्वर्टर के लिए इन तीन स्विच में ज़रूरत पड़ेगा लाइन का। तो ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, ये हमारा हो गया दो जगह, और इससे हम एक वायर को लूप करा देंगे सेम यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए ये जो लाइन का वायर है वो कहाँ से गया, फ्यूज में गया, इंडिकेटर में गया, और हमारे आपके तीन स्विच में गया। ठीक है, इसके साथ एक ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये सॉकेट से एक यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा इधर का काम जो होता है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो आएगा न्यूट्रल, ठीक है, अब आता है न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल आया, अब न्यूट्रल का जरूरत कहाँ कहाँ है, न्यूट्रल का जरूरत एक इंडिकेटर में है, एक यहाँ 5 पिन सॉकेट में है, और एक न्यूट्रल हमारा इसमें जाएगा, तो सब में हमारा न्यूट्रल पहुँच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल को हम यहाँ पहुँचाएंगे, एक न्यूट्रल को हम यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है, और इस न्यूट्रल को भी हम यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा देखिए ये न्यूट्रल का जो वायर आया, एक का कनेक्शन हम लूप करके यहाँ पहुँचा दिए, और एक इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर के थ्रू हम सब में फॉलो करा दिए। ठीक है, ये पूरा कनेक्शन देखिए, उसके बाद मैं आपसे डिटेल में बात कर लूँगा। ठीक है, ये न्यूट्रल का हो गया, अब आता है इन्वर्टर। ठीक है, आपका जो इन्वर्टर का वायर आया, ये सपोज मैं इन्वर्टर का वायर, तो इन्वर्टर का कनेक्शन कहाँ, इस दो पॉइंट पर डाल रहे हम, एक पंखा एक लाइट, तो इन दोनों में एक ऐसे लूप बनेगा। ठीक है, ये दोनों में, और जो इन्वर्टर का वायर आएगा इसको हम यहाँ से लूप करा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्विच में क्या होगा, हमारा इन्वर्टर चलेगा, लाइन कटने के बाद भी यूज होगा। ठीक है, अब बाद में अगर बॉडी अर्थिन आया हुआ है, तो बॉडी अर्थिन का जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ इस सॉकेट में जाएगा, और बॉडी अर्थिन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया बोर्ड वायरिंग, अब इसका मेन कनेक्शन बाकी है। ठीक है, ये जितना पॉइंट आया, अब आपको देखना है ये रेगुलेटर। ठीक है, ये रेगुलेटर में दो वायर निकले रहते हैं। ठीक है, सपोज ये रेगुलेटर है, तो ये देखिए इसमें दो वायर है। ठीक है, तो इसका एक वायर जो होगा वो इस स्विच से ऑपरेट होगा, एक वायर को हम इस स्विच से ऑपरेट कर देंगे, और जो इसका दूसरा वायर जाएगा वो पंखा में जाएगा। तो पंखा कौन सा वायर आया हमारा फेज का, ये देखिए ये जो वायर आया है, ठीक है, ये जो वायर है हमारा ये पंखा का है, तो ये जो वायर है ये आके यहाँ से जुड़ जाएगा आपका इंडिकेटर, ये रेगुलेटर में। ठीक है, ये जो रेगुलेटर का दूसरा वायर होगा उसमें जाके जुड़ जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ से जो इन्वर्टर का करेंट आएगा वो स्विच ऑन करने से यहाँ से सप्लाई करके सीधा पंखा में जाएगा, और हमारा जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल ऑलरेडी पहुँचा हुआ, उसको हम स्विच से कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, ये पंखा का हो गया, इसके साथ एक बल्ब को हमको ऑपरेट करना है इन्वर्टर से, तो इस बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस बल्ब का जो वायर आया है कौन आया हमें, इस वायर को देखिए, न्यूट्रल नहीं, जो फेज का वायर आया हुआ ये आया है। ठीक है, अब इस वायर को हमको क्या करना है, इसमें डाल देना है, तो ये क्या होगा, हमारा इन्वर्टर से चलने लगेगा। ठीक है, हमारा जो एक बल्ब और एक जो पंखा होगा वो इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बचा दो कनेक्शन, तो ये जो दोनों कनेक्शन आया है, ठीक है, एक वायर को इसमें स्विच में, और एक वायर को इस स्विच में हमको डाल देना है, तो क्या होगा, जो पूरा आपका वायरिंग है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपको मैं कोशिश किया हूँ पूरा समझाने का आपको। ठीक है, ये होल्डर है, ये सीलिंग रोज, ये पंखा, ये ट्यूबलाइट बल्ब, ये वायरिंग। ठीक है, इन्वर्टर का वायरिंग दो जगह आया, देखिए फेज का जहाँ कनेक्शन हम नहीं डाले, फेज हमारे फ्यूज में आएगा, और अगर हमको इन्वर्टर कनेक्शन नहीं देना है इन दोनों में, तो आपको क्या करना है, ये जो वायर का लूप है इन दोनों में डाल देना है, इन्वर्टर का वायर को आपको टेप मार देना है। ठीक है, और सपोज आपको इन तीनों पॉइंट में भी इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, आप क्या कीजिए, इस वायर को आप लाइए मत, लाइन से लाइए, इन्वर्टर में यहाँ इंडिकेटर में कनेक्ट कीजिए, और इसका लूप ना बनाए, इसका लूप अब यहाँ से बनाइए आप। ठीक है, तो आपका ये पूरा में इन्वर्टर कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं कोशिश किया हूँ आपको पूरा अच्छी तरह समझाने का। ठीक है, इस टाइप से आपके पास और भी अगर कुछ कमेंट होते हैं, तो ये भैया को मैंने कोशिश किया वॉल का, देखिए मेरी ड्राइंग उतना सही नहीं है। ठीक है, ये ऊपर का सीलिंग है, ये एक वॉल का है। ठीक है, ये आपका जो पाइप के थ्रू, अब मैं इसे रफ करता हूँ, ये एक पाइप के थ्रू कटिंग होगा या केसिंग के थ्रू गया होगा इस बोर्ड से, फिर इस बॉल से कट के गया होगा, यहाँ पे होल्डर लगा होगा जो चार चार का लगा होगा। ठीक है, सेम यहाँ एक चार चार का बोर्ड लगा होगा, इसमें सीलिंग रोज लगा हुआ होगा, या सर्कुलर का यूज करके भी यहाँ पे सीलिंग रोज लगा होगा पंखा के लिए। ठीक है, और यहाँ का जो कनेक्शन है ये इन कहाँ से किया, देखिए ये जो लाइन का वायर है ये इन कहाँ से किया,
अब ये वायर आपका इस बोर्ड के थ्रू भी इन किया होगा, यहाँ से भी इन किया हो सकता है, या ऊपर से आपका पाइपिंग किया हुआ है, ठीक है, आपका छत में अगर पाइपिंग किया हुआ तो यहाँ से भी मेन वायर इन करके सीधा आपके बोर्ड में आया होगा, ये जो वायर है, ठीक है। ये वायर आप कहाँ से इन किया हुआ है ये मेरे मुझे आपको नहीं पता आपके घर में, हाँ, पर ये चीज़ है आपका जो घर का वायरिंग जिसे बता रहे थे उस हिसाब से इतना हुआ होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।